हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस लव। आज मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ जो बिना लहसुन प्याज के बनेगा। तो उसके लिए मैंने ये कद्दू काट लिया है, दो आलू काटा है और दो टमाटर काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च। मैं सरसों का तेल में बनाऊंगी सब्जी। तो इस कढ़ाई में मैं एक टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसी में हाफ टी स्पून मेथी दाना डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून जीरा और 1/4 टी स्पून राई दाना डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और इसको पका लेती हूँ ऐसे। सब्जियाँ हमने मिक्स कर ली है, इसी में मैं 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, नमक डालने से जल्दी गल जाएगा। तो इस तरीके से डाल के मैं इसको चला लेती हूँ और इसको ऐसे ढक देती हूँ। इसको 5 मिनट में मीडियम गैस पे पकने देती हूँ। 5 मिनट हो गया है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए कद्दू हमारा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसी के पानी में ये पक जाएगा, जो भी पानी छूटेगा उतने पानी में ये पक जाएगा अच्छे से। अभी इसे ढक देती हूँ और इसको मैं मीडियम टू स्लो गैस रखूँगी और ऐसे पकने देती हूँ। मैं अपनी सब्जी चेक कर लेती हूँ, एक बार ऊपर नीचे इसको चला देते हैं। सब्जी हमारी पक रही है, अभी पकी नहीं है, टाइम लगेगा। तो बीच में ऐसे जगह बना के जो मैंने टमाटर काट लिया है, टमाटर इसी में डाल देती हूँ। टमाटर को बीच में रख के थोड़ा जैसे कवर कर देते हैं इस तरीके से, टमाटर डाल के ऐसे ढक देती हूँ। इसको 5 मिनट में मीडियम गैस पे पकने देती हूँ। एक बार सब्जी चेक कर लेती हूँ, सब्जी हमारी पक गई है। इसको इसी तरीके से स्पैचुला से इस तरीके से दबा दबा के थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। बस सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी में धनिया की पत्ती डाल के मैं खाने के लिए अभी सर्व कर सकती हूँ। तो गैस को अभी मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।